बेहद दबाव में है। एक तो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी ने उसका बॉयकॉट कर रख दिया है, दूसरा भारत जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ा है। दरअसल ये एक दिन की स्ट्रैटेजी नहीं है। मोदी सरकार ने 2014 से ही लगातार विदेश नीति और कूटनीति पर जो काम किया है ये उसी का नतीजा है कि चीन के सामने उसकी ईमानदार पहचान का संकट अब खड़ा हो चुका है। दुनिया में चीन एक्सपोज हो चुका है, तो इसमें बड़ी भूमिका भारत की है। और भारत अगर अमन पसंद दुनिया के सामने चीन का मजबूत विकल्प बनकर खड़ा है तो इसमें मोदी नीति और दूरदृष्टि अहम है। अमेरिका और यूरोप के रडार पर चीन, ऑस्ट्रेलिया जापान के निशाने पर ड्रैगन, लद्दाख में भारत के टारगेट पर चीन, थाईलैंड वियतनाम फिलीपींस का दुश्मन चीन, दुनिया के ज्यादातर देशों की बददुआएं चीन के साथ हैं। दुनिया को कोरोना के जरिए तबाही के भंवर में फंसाने वाले चीन के ताराशाह जिनपिंग का पाप अब चीन की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू करा चुका है। दुनिया ने चीन का अमानवीय चेहरा देख पढ़ और समझ लिया है। चीन ने दुनिया को पहले कोविड-19 महामारी में उलझाया, बेगुनाह लोगों को मारा, फिर इकोनॉमी को तोड़ा और अब चीन विस्तारवाद के अगले फेज पर काम कर रहा है। लेकिन जिनपिंग के शैतानी विस्तारवाद के सपने के सामने चट्टान से खड़ा एक राष्ट्र है भारत, और सिर्फ खड़ा नहीं है बल्कि आंखों में आंखें डालकर बार बार चेतावनी भी दे रहा है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। भारत सरकार चीन की फितरत को पढ़ते समझते बेहद एग्रेसिव नीति पर काम कर रही है। ये दोनों ही स्तरों पर है, सैन्य स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर। भारत ने कमांडर स्तर पर वार्ता जारी रखी तो चीन को घेरने के लिए सैन्य रणनीति पर भी फोकस किया। इसके साथ ही कूटनीतिक तौर पर भी भारत ने चीन को बखूबी घेरा हुआ है। देखिए, भारत जो है वो हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है। चीन की प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो हमारी अनधिकृत जो सीमाएं हैं उस पर जबरदस्ती 1962 के वार के बाद उनके ऊपर बैठा हो रहा। उसने मैप्स हमसे एक्सचेंज नहीं करे, उसने हमसे बाउंड्री डिमार्केट करने की कोशिश नहीं करी, और अक्सर जब मन आता है 660-670 लगभग वायलेशन हो चुके हैं एक वॉर होने के अलावा। चीन के सामने डटकर खड़ा है भारत और उसे भरपूर चोट देने की रणनीति पर काम लगातार जारी है। दक्षिणी पेंगोंग में चीन की गुस्ताखी का माकूल जवाब इसका उदाहरण है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हथियारों तक पर तैयारी पूरी है। भारत ने 255 किलोमीटर लंबी दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी सड़क का काम पूरा कर लिया है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सड़क दुनिया के सबसे ऊंचे रनवे तक जाती है। DSDBO सड़क को लेकर चीन की आपत्ति थी, लेकिन भारत ने अपना काम पूरा किया। DSDBO रोड का निर्माण होने से भारत की स्थिति लद्दाख इलाके में और मजबूत हुई है। इसके साथ ही हथियार आपूर्तिकर्ता देशों से भारत की बातचीत लगातार जारी है और कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। भारत में 5 राफेल विमानों की खेप आ चुकी है। इसके साथ ही
अत्याधुनिक हथियार भी सीमा पर पहुंच चुके हैं। भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और जापान से लगातार संपर्क में है। जमीन आसमान का फर्क हो गया है और यही चाइना जो है अब डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है कि हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो गया कि इतना बदलाव हो गया, इसके रीढ़ की हड्डी कैसे दोबारा से आ गई। इस पे उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है और असमंजस की स्थिति में भी है। 1962 की स्थिति और आज के हालात में ये सबसे बड़ा अंतर है। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर दुनिया में चीन को अलग थलग कर दिया है। दुनिया जानती है कि जिनपिंग ने महामारी के इस दौर को इसलिए रचा ताकि खामोशी से अपने विस्तारवाद की नीति को अंजाम दे सकें, जबकि नेहरू ने आंख बंद कर चीन पर भरोसा करने का जोखिम उठाया था। यहां तक कि सीमा पर तैयारियों की घोर अनदेखी की गई थी। इसकी वजह थी नेहरू पर वामपंथियों का गहरा प्रभाव। 1962 की तुलना में पीएम मोदी की आज की डिप्लोमेसी ज्यादा आक्रामक और असरदार है। सीमा पर चीन की चालबाजी साफ बताती है कि जिनपिंग भारत के कूटनीतिक चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं और दबाव में हैं। देखिए, वो सारी चीजें बदल चुकी हैं और आज असली वॉर है या जिसको कहिए कॉन्फ्लिक्ट है, वो अमेरिका और चीन के बीच में है और वो ज्यादातर इकोनॉमिक उसमें है, एक्सपेंशनिज्म के अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में। भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और चीन को ये समझना होगा कि भारत अब वो भारत नहीं है जो उनके धमाके में, उनके दबकाए में आ सके। चीन भी बखूबी समझ रहा है कि वो बुरी तरह विस्तारवाद की अपनी धूर्तता से भरे खेल में उलझ चुका है। जिनपिंग के एम्बिशन ने दुनिया में न चीन की कोई साख रची है, न चीनियों का सम्मान। इतिहास के पन्नों में चीन की नियत उसके सामानों की तरह ही बेहद सस्ती और खस्ता हाल ही लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।